हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई हॉबीज़ गार्डनिंग में। और आज हम आपको ऐसे कलरफुल प्लांट बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, जो कि आपके गार्डन में जहाँ पे बहुत ही कम लाइट आती है, लो लाइट में भी चलने वाले प्लांट हैं। इनको बोलते तो इंडोर हैं, पर इंडोर नहीं होते हैं। आप घर के अंदर इनको रखेंगे तो हफ्ते में आपको दो तीन बार इनको बाहर ज़रूर ही निकालना है, धूप देनी है, तभी ये अच्छे से सर्वाइव होते हैं। तो आज हम आपको अपने गार्डन के कलरफुल प्लांट जो हैं, जो मुझे बहुत ही मतलब पसंद आते हैं और मैंने अपने गार्डन में ऐड कर रखे हैं, उन्हीं को मैं आपके साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये एग्लोनिमा प्लांट है। एग्लोनिमा प्लांट में बहुत सी वैरायटी आती हैं जो आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अब तो नई नई वैरायटी भी आने लग गई हैं एग्लोनिमा में। पहले दो ही तीन आती थी, दिखती थी, अब तो बहुत सी हो गई हैं। नई नई क्रिएशन होती है और नई नई वैरायटी गार्डन में लोग ऐड करते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही शौक़ होता है। इसलिए नर्सरी वाले और भी अच्छे अच्छे प्लांट्स जो हैं अपने तैयार करते रहते हैं। सिंगोनियम में भी बहुत सी नई वैरायटी आ रही हैं। बहुत सुंदर सुंदर लीफ होती हैं कि देखने में मन खुश हो जाता है। फूलों की कोई हमें ज़रूरत नहीं है अगर हमारे गार्डन में इस टाइप के प्लांट हैं। देखिए, मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। ये इजी प्लांट तो खैर आप इंडोर रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस ये देखिए, लिप्टिक एग्लोनिमा, एक ये है और एक ये है, और ये चाइनीज़ एग्लोनिमा बोलते हैं। लेकिन इसकी लीफ भी बहुत खूबसूरत है। लीफ पे जो इसकी ये डिज़ाइन है, इसी से ये खूबसूरती है। और मैं लाई थी आप लोगों के साथ में, शेयर भी किया था कि एक में ही थे ये दोनों प्लांट, मैंने इनको अलग अलग सेपरेट कर लिया था। और ये मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गए थे, 100 रुपये में लाई थी, तो 50-50 के ही मुझे पड़े। और ये अरेलिया भी देखिए, इसकी लीफ की कटिंग देखिए कितनी सुंदर है। और ये स्कार्फाइकस जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये है फिलाडेंड्रोन, इसमें देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन। ये भी एग्लोनिमा है, पोलका डॉट बोलते हैं। और ये देखिए वैलेंटाइन एग्लोनिमा, इसकी लीफ बहुत ही खूबसूरत, इतनी बिग साइज में आती हैं। जब ये न्यू निकलती है तो इस टाइप से होती है, फिर धीरे धीरे जब ये फिर ऐसी होती है, फिर ओल्ड होती है, तो ये शेड आ जाता है, कलर ही चेंज करता रहता है। इससे मैंने देखिए एक ये प्लांट मैंने तैयार किया है, एक और है जो मैंने उस साइड में रख लिया, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत से प्लांट सारे हटाने पड़े क्योंकि पड़ोस में घर टूट रहा है। तो ये एक प्लांट लाई थी और ये इतना बुशी हो गया है, ये अगर आप दुकान पे लेने अभी नर्सरी में जाओ, 600-700 से कम का ये वाला प्लांट नहीं आएगा। यही प्लांट वो 300-400 का देंगे, क्योंकि इतना घना इतना बुशी हो रहा है। तो ये हमारे कलरफुल प्लांट हैं। ये भी एग्लोनिमा की ही एक वैरायटी है। इसका नाम तो हमें नहीं पता है, लेकिन इसकी लीव्स भी देखिए बिल्कुल डिफरेंट हो रही हैं। कोई ग्रीन है, कोई रेड है, कोई पिंक है, कोई इस तरह से शेडेड लीव, अलग अलग शेड में ये हर एक लीव है इसकी, जो देखने में बहुत ही अपनी ब्यूटी को जो है गार्डन में बिखेरती है। फिर ये देखिए सिंगोनियम की वैरायटी, इसमें देखिए इस तरह से इसमें जो लाइंस हैं ये रेड होती हैं, ये देखिए इस तरह से। और एक ये बिल्कुल ही ग्रीन है, मतलब क्रीमी सा है ये। और एक ये है, ये तो ऐसा रहता है, इसमें रेड वाला है एग्लोनिमा है ये। और इसी में एक छोटी छोटी वैरायटी का एग्लोनिमा है, वो ये है, ये देखिए इस तरह से। किसी माउस मिक्की माउस एग्लोनिमा भी बोलते हैं, सिंगोनियम बोलते हैं, क्योंकि इसकी लीव्स बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, इसलिए ये देखिए बहुत नन्ही है, लेकिन रेड बहुत खूबसूरत है। और एक ये देखिए,
कितना सुंदर सिंगोनियम। सिंगोनियम का प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो मेंटेन प्लांट है, इसकी कटिंग लग जाती है आसानी से। अगर आपके पास नहीं है, आप कहीं से अपने फ्रेंड्स के या अपने जानने वालों के या पड़ोस से कहीं से भी आप इसको ला सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए मरांटा, पीछे देखिए पर्पल है, आगे ग्रीन है। और ये है ग्रेसिना की वैरायटी, इसकी लीव्स भी कलरफुल होती हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। एक वो है ग्रेसिना ग्रीन, और ये सारे ये इसी टाइप के प्लांट हैं जो आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और सुंदरता ला सकते हैं। एक ये देखिए अरेलिया की ही वैरायटी है, एक ये सिंगोनियम है, पतली पतली लीव्स हैं इसमें, ये भी बहुत सुंदर लगता है। बिगोनिया देखिए कितना खूबसूरत है, फूल नहीं भी आए ना तो भी इसकी खूबसूरती कम नहीं है। इसकी लीव्स की जो बनावट है बहुत ही खूबसूरत है, इस वजह से ये बहुत सुंदर लगती है। और ये देखिए रिबन ग्रास, इस ये भी वेरिएटेड वाला है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे कोई फूल नहीं है फिर भी ये इंडोर गार्डन खूबसूरत है। और ये देखिए एक सिंगोनियम इस शेड का भी आता है, इस तरह से आप लोग देखिए। आप लोगों को ऐसा लग नहीं रहा होगा कि यहाँ फूल नहीं है तो कोई खूबसूरती नहीं है, सुंदरता नहीं है, बहुत सारी सुंदरता है इन कलरफुल लीफ की वजह से। मनी प्लांट भी इसी वजह से इतना खूबसूरत लगता है क्योंकि इसकी लीफ में वेरिएशन होता है, इस वजह से। ये है वो तीसरा वाला एग्लोनिमा जो मैं आपसे कह रही थी, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया, बहुत छोटी सी का कटिंग से। और इसमें भी देखिए किस तरह से पोल्का डॉट रखे हुए हैं और अपनी खूबसूरती को बरकरार किए हैं। ये देखिए एक डिफन बेचिया की ही वैरायटी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है ये। इसमें अलग अलग लीव्स पे पैटर्न आते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये देखिए ये भी सिंगोनियम की ही एक वैरायटी है। ये देखिए मैंने जगह जगह सिंगोनियम लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है सिंगोनियम। ये देखिए पानी में भी ये आसानी से ग्रो करता है, ये इस तरह के। और ये सिंगोनियम तो बहुत ही बिग साइज का है। और ये क्रोटोन भी हमारे गार्डन में बहुत अच्छा लुक क्रिएट करते हैं क्योंकि कलरफुल होते हैं, लीव्स भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में होती हैं, सारे डिज़ाइन पैटर्नदार होती हैं, इस वजह से ये क्रोटोन भी हमारे गार्डन में बहुत खूबसूरती लाते हैं। और एक ये वाला प्लांट आप देखिए कितना खूबसूरत है। और ये देखिए इसकी लीव्स भी ज़रा देखिए धूप में ये रेड हो जाती हैं, अगर आप बिल्कुल धूप में रखेंगे तो ये रेड रेड सी हो जाएंगी लीव। अभी तो मेरा सारा कुछ इधर सिमटा हुआ रखा है, उधर से सब कुछ मैंने हटा रखा है क्योंकि घर बन रहा है। और ये पोथोस मनी प्लांट देखिए, पोथोस की भी लीव्स कितनी सुंदर हैं, इनको भी अपने गार्डन में हम ऐड कर सकते हैं। मनी प्लांट में भी बहुत सुंदर सुंदर लीव्स होती हैं। और ये जैसीना में देखिए वेरीगेटेड वाला है, और एक इसी में प्लेन आता है, उसमें सिंपल होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, ग्रीन ग्रीन सा होता है इस वजह से। और इस तरह से ये हम कलरफुल प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और एक ये है हमारा, देखिए कितना खूबसूरत बंजरी जीव, कलरफुल है। अगर धूप में रखेंगे तो रेड हो जाएगा, छाई में रखेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, लीव्स में वेरिएशन होता है, ग्रीन में बिल्कुल साफ वेरिएशन दिखता है। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ नेंथरा भी हम आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे क्योंकि इसकी लीव्स बहुत ही खूबसूरत होती हैं। अभी मैं अल्टरनेंथरा आपको मैं दिखाना भूल गई, एक ये भी अल्टरनेंथरा है और ये भी अल्टरनेंथरा है, देखिए कितना खूबसूरत है, ब्यूटीफुल प्लांट है। और अगर हम कलरफुल प्लांट की बात करें तो हमारे कोलियस तो सबसे अच्छे हैं। और ये देखिए पर्पल हार्स, पर्पल हार्स का शेड देखिए कितना डार्क पर्पल आ रहा है,
जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम वंडरिंग जीव की बात कर रहे थे आपसे, ये देखिए ये वाला छाई में है, तो ये देखिए ग्रीन ग्रीन है, इसमें वेरिएशन देखिए कितना अच्छा है। तो इस तरह से हम अपने गार्डन में कोलियस को ज़रूर ऐड करें। ये धूप में भी चल जाता है और कम धूप में भी चल जाता है। धूप में हल्की धूप इस पर आती रहेगी तो वेरिएशन एकदम निखर के खुल के आता है, जो एकदम क्लियर दिखता है। अगर आप बिल्कुल शेड में रखेंगे तो इसके कलर इतने खुल के नहीं आएंगे, इस वजह से। तो इसको हल्की सी धूप चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए ये सारे हैं। और फिर कलरफुल में ये भी आता है, वेरिएटेड हमारा रबर प्लांट, देखिए कितनी खूबसूरत लीफ है। इसी तरह से ये लैला मंजनू भी आता है। बहुत सारे प्लांट हैं दोस्तों, जो अगर शेयर करते हैं ना बहुत सारा, इतना लंबा वीडियो बन जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाना तो है ही है। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।